आदरणीय सभापति जी, कोरोना एक वैश्विक महामारी और पिछले 100 साल में मानव जात ने इतना बड़ा संकट नहीं देखा है। और संकट की तीव्रता देखिए, मां बीमार है एक कमरे में, लेकिन बेटा उस कमरे में प्रवेश न कर पाए, पूरे मानव जात के लिए ये कितना बड़ा संकट था। और अभी भी ये संकट बहुरूपिया है, नए नए रंग रूप लेकर के कभी न कभी कुछ न कुछ आफतें लेकर के आता है। और पूरा देश और पूरी दुनिया, पूरी मानव जात उससे जूझ रही है, हर कोई रास्ते खोज रहे हैं। आज 130 देश करोड़ के भारत के लिए दुनिया में जब प्रारंभिक कोरोना का प्रारंभ हुआ, चर्चा यही थी भारत का क्या होगा और भारत के कारण दुनिया की कितनी बर्बादी होगी, इसी दिशा में चर्चा हो रही थी। लेकिन ये 130 करोड़ देशवासियों की संकल्प शक्ति, उनका सामर्थ्य और उन्होंने जो भी जीवन में उपलब्ध था उसके बीच भी डिसिप्लिन का पालन करने का प्रयास किया कि आज विश्व में भारत के प्रयासों की सराहना हो रही है। और इसका गौरव ये किसी राजनीतिक दल का कार्यक्रम नहीं था, ये अचीवमेंट देश का है, 130 करोड़ देशवासियों का है। अच्छा होता इसका यश लेने की भी कोशिश करते आप लोग, तो आपके खाते में कुछ जमा होता। लेकिन अब ये भी सिखाना पड़े। खैर, वैक्सीनेशन के संबंध में अभी प्रश्नकाल में हमारे आदरणीय मंत्री जी ने विस्तार से बात तो बताई है कि जिस प्रकार से भारत वैक्सीनेशन बनाने में, इनोवेशन में, रिसर्च में और उसके इम्प्लीमेंटेशन में, आज भी दुनिया में वैक्सीन के खिलाफ बहुत बड़े आंदोलन चल रहे हैं। लेकिन वैक्सीन से मेरा लाभ हो या न लाभ हो, लेकिन कम से कम वैक्सीन लगाऊंगा तो मेरे कारण किसी और का नुकसान नहीं होगा, इस एक भावना ने 130 करोड़ देशवासियों को वैक्सीन लेने के लिए प्रेरित किया। ये भारत का मूलभूत चिंतन का प्रतिबिंब है जो विश्व के लोगों के सामने रखना हर हिंदुस्तानी का कर्तव्य है। सिर्फ खुद की रक्षा करने का विषय होता तो लू या न लू विवाद होता, लेकिन जब उसके मन में विचार आया कि मेरे कारण किसी को कष्ट न हो, अगर इसके लिए मुझे भी डोज लेना है तो मैं ले लूं, और उसने ले लिया, ये भारत के मन की, भारत के मानव मन की, भारत की मानवता की हम गौरवपूर्ण रूप से दुनिया के सामने कह सकते हैं। आज 100% डोज के लक्ष्य की ओर हम तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। मैं सम्मानित सदस्य से, ये सभी आदरणीय सदस्यों से, इनके सामने हमारे फ्रंटलाइन वर्कर, हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स, हमारे वैज्ञानिक, इन्होंने जो काम किया है उसकी सराहना करने से भारत की प्रतिभा तो खिलेगी खिलेगी, लेकिन इस प्रकार से जीवन खपाने वाले लोगों का भी हौसला बुलंद होगा, और इसलिए सदन बड़े गौरव के साथ उनका अभिनंदन करता है, उनका धन्यवाद करता है।